अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई। वैष्णव वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमोद्भूय, वैष्णव वैष्णव का दर्शन करे तो दंडोत प्रणाम करना चाहिए। अब तो श्री सनकादिक नारद जी दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, अभिवादन किया। अच्छा एक बात बताओ कि सृष्टि के क्रम में पहले सनकादिक भगवान है कि पहले नारद जी? पहले तो सनकादिक भगवान है ना, वो तो पूर्वेशम। सृष्टि के क्रम में तो शंकर जी के भी बड़े भैया हैं, शंकर जी से भी बड़े हैं सनकादिक भगवान, और नारद जी तो पीछे के हैं। तो वैसे देखा जाए तो नारद जी अनुज हैं और सनकादिक अग्रज हैं, लेकिन यहां महाराज जी अनुज अग्रज का भाव नहीं है। क्या है? बोले दोनों ने दोनों को परस्पर प्रणाम किया। क्योंकि वैष्णव में कोई बड़ा छोटा होता नहीं है, बड़े प्रेम से दंडोत प्रणाम किया। उठ करके खड़े हो गए सनकादिक भगवान, अरे देवर्षि नारद जी आए हैं, परम भागवत आए, उठ के खड़े हो गए। ओ महाराज जैसे ही बैठे कि बैठते ही और कोई चर्चा इनमें है ही नहीं कि तुम कैसे हो, तुम्हारा धंधा पानी ठीक चल रहा है कि नहीं, ये सब चर्चा विरक्तानाम शिरोमणि ही नारद जी हैं और सनकादिक भगवान तो परम विरक्त हैं, उनमें कोई संसार की चर्चा भला कैसे होगी। बैठते ही श्री सनत कुमार जी ने नारद जी से पूछ दिया, ये नेदम अखिलम जातम जगत स्थावर जंगमम गंगा पादोद्भवा यस्य कथम सज्ञायते हरि। हे भगवान, हे देवर्षे, आप कृपा करके यह बतलावें कि यह संपूर्ण जीव जगत, स्थावर जंगम, जंगमात्मक जीव जगत जिन भगवान से उत्पन्न हुआ है, गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट भई हैं, उन भगवान श्री हरि का ज्ञान कैसे हो, उनके तत्व का ज्ञान कैसे हो, आप कृपा करके बतावें। श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के श्री नारद जी ने कहा कि भगवान आपने यही प्रश्न किया है, कथम सज्ञायते हरि। तो वस्तुतः आप तो साक्षात भगवत रूप हैं, भगवत तत्व का ज्ञान आपको है ही, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म का बोध आपको है, किंतु आखिर वैष्णव संत मिले तो परस्पर क्या कहें सुने, इसलिए आपने बड़ा मंगलमय अवसर हमें प्रदान किया है भगवत गुणगान का। तो महाराज वो तो एक ही भगवत तत्व का हमें सम्यक तया बोध हो जाए, उसका एक ही साधन है। क्या? ऊर्जे मासे सिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवान्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। ऊर्ज माने होता है कार्तिक महीना। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 64 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया है। 64 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति उन्होंने कार्तिक मास के आदर को माना है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ऊर्जा दरो विशेषेण, प्रत्येक वैष्णव का कर्तव्य है कि वह कार्तिक मास का विशेष आदर करे। ये दामोदर मास है, भगवत संबंधी मास है, अपने भजन साधन को कम से कम द्विगुणित कर दे, तीर्थ में स्थाई निवास करे, कल्पवास करे। और आज भी महाराज जी अयोध्या वृंदावन आदि के जो संत हैं वो साल भर कहीं घूमे, पर प्रायः संतों का भाव रहता कि कार्तिक के महीना में हम अयोध्या जी छोड़ के कहीं न जाएं, कार्तिक के महीना में हम ब्रज छोड़ के कहीं न जाएं, ये भाव रहता है। कार्तिक का मास अत्यंत पवित्र मास है। कार्तिक के मास में शुक्ल पक्ष में, माघ मास में शुक्ल पक्ष में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भक्ति पूर्वक 9 दिन पर्यंत श्रीमद् रामायण का
रामायण कथामृत का पान करना चाहिए, यह श्री नारजी महाराज ने निर्देश किया। देखिए यहाँ जो पक्ष का और मास का निर्देश किया गया है ये विशिष्ट मुहूर्त हैं, इनमें तो श्रवण करना ही चाहिए। और वस्तुतः बात यह है कि सदा सर्वदा भगवान का मंगलमय चरित्र सुनना चाहिए, जिस महीने में भी सुनने को उपलब्ध हो जाए, जिस पक्ष में भगवान की कथा सुनने। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।